चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के कोदिया गांव में अज्ञात लोगों ने दो कारों में आग लगा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीठ सरपंच योगिता शर्मा और ई मित्र संचालक सत्यनारायण शर्मा के घर के बाहर खड़ी कारों में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। इस दौरान गाड़ी का टायर फटने के बाद लोगों को इस घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता दिनेश पारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला रीट पंचायत कोदिया गांव का है, जहां सरपंच योग्यता शर्मा के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी तो अज्ञात बदमाशों ने रात को टायरों में आग लगा दी, जिससे गाड़ी जलकर राख हो गई। जी कुछ देर आगे भी 200 मीटर गाड़ी एक खड़ी थी, ई मित्र संचालक जिसकी भी गाड़ी में बदमाशों ने आग लगा दी। आग इतनी भयंकर थी कि टायरों में धमाके से पड़ोसी की नींद खुलने के बाद उनको मालूम चला कि आपकी गाड़ी आग लगने से दो दो कर जल रही है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिनेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।